मेरे बड़े अच्छे विचार हैं, मैं अपने विचार आप सबसे शेयर कर लेता हूं। पाणी ग्रहण, पाणी कहते हैं हाथ से, पाणी ग्रहण का मतलब है हाथ मिलाना, ठीक है। और अगर हम हिंदू विवाह को देखें तो पूरा विवाह की जो भी प्रक्रिया है वो जीवन भर मैत्री का एक संकल्प है। जो समय जो प्रतिज्ञाएं करी जाती हैं वर वधू की तरफ से, हम सुख में दुख में इसमें हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। उसके बाद हमारे शास्त्र कहते हैं कि अग्नि की साक्षी लेके यदि आप 7 कदम एक साथ चलते हैं तो आपकी आजीवन मैत्रिता का संबंध स्थापित होता है। तो मैं ऐसा कामना करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा ही कामनाएं करता हूँ, अगर हम हिंदू लोगों की समझ में आ जाए कि विवाह एक वस्तु का लेन देन या दान नहीं है, क्योंकि कन्या को वस्तु समझ के हम दान कर देते हैं, वो बात नहीं है। ये हाथ मिलाना है जीवन भर की मैत्री के लिए। तो आपको आजीवन एक मित्र प्राप्त हो रहा है, जो भगवान की बड़ी भारी कृपा है। यहाँ एक शास्त्रीय उदाहरण मैं दूंगा। जब वाल्मीकि रामायण पढ़िए, जब रामचंद्र जी और सुग्रीव की भेंट हुई है तो रामचंद्र जी ने और सुग्रीव ने अग्नि को साक्षी मानकर जीवन भर मित्रता का वचन एक दूसरे को दिया। तो उस संदर्भ में हम देखें तो जो हिंदू विवाह है, जिसे आप पाणी ग्रहण संस्कार भी कहते हैं, वो आजीवन मैत्री का एक संबंध उस दिन से पति पत्नी का शुरू होता है। और ऐसा मैं देखता हूँ, मैंने सैकड़ों हजारों पति पत्नियों को देखा है, जिन पति पत्नियों में जबरदस्त मित्रता का संबंध था उनसे सफल मैंने कोई वैवाहिक जीवन नहीं। तो मित्रता, आजीवन मित्रता, खुली मित्रता, अंतरंग मित्रता, निष्कपट मित्रता हमारे पाण ग्रहण संस्कार की आत्मा है। हमें इस पर चिंतन करना चाहिए और निभाना भी चाहिए। दोस्ती निभाई जाती है, निभाइए। ग्वालियर में हम लोग सब साइकिलों पे ही चला करते थे। एक पंचर जोड़ने वाले थे साइकिल की, वो ओवरहॉलिंग भी करते थे, 12 रुपए लेते थे और पंचर वंचर जोड़ते थे। उन पति पत्नी के जैसी ट्यूनिंग मैंने एक दो ही देख पाई। फिल्मों के बड़े शौकीन थे वो, तो गाना गा के बात करते थे। जैसे अच्छा बातचीत में मजा आता था तो हम लोग वैसे भी बैठ जाते थे उनके पास जाके। वो पट्टीदार अंडरवियर और सैंडो बनियान में काम करते थे, हम लोग बैठ के बातें सुनते थे तो वो गाना गाते थे। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, अरे कल्लू की अम्मा जरा 2 कप चाय तो अच्छा। या जैसे हम लोग बैठे हुए हैं तो वो थैला लेके सब्जी खरीदने जा रही है उनकी पत्नी, तो उन्हें पता है कि ये सब्जी लेने जा रही है, पर गाना आता था बदन पर सितारे लपेटे हुए और कल्लू की अम्मा किधर जा रही है। तो ये अच्छा, वो भी गाना गा के उनको जवाब देती थी। तो इतना अच्छा लगता था उनके यहाँ जाके बैठने में कि बस मज़ा आता था बैठ के देख। तो मैं काम ना करता हूँ कि भारतवर्ष के सारे जितने भी पति पत्नी हैं काश सब ऐसे ही हो जाएं, रोमांस उनके जीवन में बना रहे, कि एक काव्यात्मकता उनके जीवन में आ जाए, सेंस ऑफ ह्यूमर उनके जीवन में आ जाए और पक्की दोस्ती की एक मिसाल। मैं तो यही काम ना करता Romana Anada Kaha Sukha Pava Jaise Ude Jahaj Ko Panchi Puni Jahaj Pe Aave कहाँ सुख पा।